जटिल समस्या हो या भाग्य बाधा हो, व्यापार, नौकरी, शादी की समस्या, करियर की चिंता हो या वैवाहिक जीवन में हो सुख का अभाव, पाइए अपनी समस्त ज्योतिषीय तथा वास्तु समस्याओं का सरल, चमत्कारी, प्रभावशाली समाधान। एक जाना माना और विश्वसनीय नाम आचार्य पंडित श्री वैभवनाथ शर्मा जी, काशी के 400 वर्ष पुराने प्रतिष्ठित और अंतरराष्ट्रीय ख्याति प्राप्त राज ज्योतिषी परिवार की 8वीं पीढ़ी के ज्योतिषी और वास्तु शास्त्री आचार्य पंडित श्री वैभवनाथ शर्मा जी के द्वारा व्यक्तिगत या फिर फोन पर अपॉइंटमेंट लेने के लिए कॉल करें 9818300146 9990724131 या फिर ईमेल करें sharma.vaibhav@gmail.com पर। जान लेते हैं आज का महा उपाय क्या है। जी बिल्कुल, आज का महा उपाय बहुत ही विशेष है। आज हम आपको विवाह बाधा निवारण हेतु कुछ विशेष उपाय बताने जा रहे हैं। जो उपाय मैं आपको बताने जा रहा हूं, इसके पहले मैं आपको बहुत सावधान कर देना चाहता हूं कि इन उपायों का प्रयोग, जैसे हम लोग अक्सर तंत्र के बारे में या कुछ विशेष उपायों के बारे में कहते हैं कि आपको ऐसे उपायों का प्रयोग स्वतः ही अपनी इच्छा से आरंभ नहीं कर देना चाहिए। जब आपको उसकी अनिवार्यता दिखने लगे, जब आपको लगे कि अब इसके बिना हमारा काम नहीं होगा, आप अपनी जगह बिल्कुल ठीक हो, तब आपको इन मंत्रों का प्रयोग करना चाहिए, ऐसे प्रयोग करना चाहिए। ये जो विशेष मंत्र हैं, ये प्रेम विवाह को सिद्ध करने वाले होते हैं, मन इच्छित वर को दिलाने वाले होते हैं। अगर आप किसी को पसंद करते हैं और आप ये समझते हैं आपका परिवार उसमें कहीं से कोई विघ्न उत्पन्न कर रहा है, परिवार नहीं मान पा रहा है, परिवार को आप कन्विंस नहीं कर पा रहे, और आप ये जानते हैं कि जो वर पक्ष है, जो लड़के का परिवार है, वो आपको बहुत स्नेह देता है, लड़का आपकी और आपके परिवार की जिम्मेदारियों को निभा सकता है, आपको बहुत अच्छे से समझता है, तब इन मंत्रों का प्रयोग करना चाहिए। इनमें से कुछ वैदिक मंत्र भी हैं, और ऐसा नहीं है कि आप इन मंत्रों का प्रयोग करेंगे तो आपका काम बन ही जाएगा। इन मंत्रों का काम यह है कि जब आप इन मंत्रों का प्रयोग आरंभ करेंगे तो ईश्वर यह निर्णय करेगा, यह निर्धारित करेगा कि आपके लिए वो लड़का, वो रिश्ता ठीक है कि नहीं। अगर ठीक होगा तो भगवान विष्णु वह संबंध बना देंगे, और अगर ठीक नहीं होगा तो आपके लाख प्रयास के बावजूद भी, मंत्र जाप साधना के बावजूद भी आपको सफलता नहीं मिलेगी। ऐसे केस में आपको यह जान लेना चाहिए कि हरि की इच्छा नहीं है। कहते हैं हरि इच्छा बलि असी, हरि की इच्छा होगी तो आपका यह संबंध होगा, क्योंकि ये भगवान विष्णु के कुछ मंत्र हैं। हमारे धर्मशास्त्रों में कुछ ऐसे मंत्रों का उल्लेख किया गया है जिसके बारे में माना यह जाता है कि इनका जाप और प्रयोग करने से आप अपने प्रेमी के साथ विवाह कर सकते हैं, आपका प्रेम विवाह हो जाता है, अथवा मनचाहे जीवन साथी से विवाह के रास्ते में आने वाली जो भी बाधाएं हैं वो दूर हो जाती हैं। प्रेम विवाह यानी लव मैरिज की सफलता के लिए इन मंत्रों का जाप करना सर्वोत्तम माना जाता है। अपने प्रेमी को आकर्षित करने के लिए इन मंत्रों का 108 बार नित्य आपको जाप करना है। इनमें वशीकरण की भी शक्ति होती है। भगवान श्री कृष्ण अर्थात भगवान विष्णु का जो स्वरूप है, वह सम्मोहन का, वशीकरण का सर्वोत्तम देवता माने जाते हैं, तो इन मंत्रों का प्रयोग कर सकते हैं। तो आपकी जो इच्छा है, मन इच्छित वर प्राप्ति के लिए, प्रेम विवाह में आने वाली अड़चनों को, बाधाओं को दूर करने के लिए इस मंत्र का आप जाप कर सकते हैं। अगर आप किसी को अपनी तरफ आकर्षित करना चाहते हैं, अट्रैक्ट करना चाहते हैं, तो भी आप कर सकते हैं, लेकिन यह निर्णय भगवान विष्णु अर्थात भगवान श्री कृष्ण करेंगे कि आपके लिए वह रिश्ता ठीक है कि नहीं, आपके भाग्य में क्या लिखा है, तब जाकर के आप उस वर को प्राप्त कर सकते हैं। तो इस मंत्र का आपको जाप करना है। यह मंत्र है ओम क्लीं कृष्णाय गोपीजन वल्लभाय स्वाहा। मंत्र पुनः एक बार सुन लीजिए, ओम क्लीं कृष्णाय गोपीजन वल्लभाय स्वाहा। इस मंत्र का जाप आपको नियमित 108 बार करना चाहिए। वहीं दूसरा प्रेम विवाह हेतु शक्तिशाली दूसरा एक मंत्र प्रयोग है, प्रेमी को अपना बनाने के लिए, अपने विवाह को पूरा करने के लिए इस मंत्र का जाप आप कर सकते हैं। इसके लिए भी कई जगह हमारे धर्मशास्त्रों में उल्लेख मिलते हैं। यह मंत्र इस प्रकार है, केशवी केशवाराध्या किशोरी केशव स्तुता रुद्र रूपा रुद्र मूर्ति रुद्राणी रुद्र देवता। इस मंत्र को पुनः एक बार आप सुनिए, यह आपके लिए बहुत आवश्यक है। और इस मंत्र का प्रयोग जो है, इसका हमारे धर्मशास्त्रों में कई जगह उल्लेख मिलता है, प्रेम विवाह के लिए, मनीक्षित वर प्राप्ति के लिए। पुनः एक बार सुनिए,
केशवी केशवाराध्या किशोरी केशव स्तुता रुद्र रूपा रुद्र मूर्ति रुद्राणी रुद्र देवता। कहा जाता है कि अपने प्रेमी या प्रेमिका के लिए मन से इन मंत्रों का अगर कोई व्यक्ति प्रयोग करे तो भगवान श्री कृष्ण और भगवान श्री महादेव आपकी आराधना को स्वीकार करते हैं और प्रेम विवाह में सफलता अवश्य मिलती है। प्रत्येक शुक्रवार को राधा कृष्ण की प्रतिमा के समक्ष बैठ करके इन मंत्रों का जाप करना चाहिए या आप शिव मंत्र में प्रयोग कर सकते हैं। ऐसा देखा गया है कि 3 माह के अंदर यानी 90 दिनों के अंदर प्रेम विवाह में आने वाली सारी बाधाएं सारी अड़चने दूर हो जाती हैं और सफलता के लिए रास्ता बनने लगता है। प्रेम विवाह के लिए दूसरे भी मैं आपको कुछ मंत्र और प्रयोग बता रहा हूं, इन्हें भी आप बहुत ध्यान से सुनिए। ये भी बहुत शक्तिशाली मंत्र प्रयोग है। आपको करना यह है कि शुक्ल पक्ष के गुरुवार से इस मंत्र को प्रयोग में लेना चाहिए, आरंभ करना चाहिए। भगवान विष्णु और मां लक्ष्मी की मूर्ति के समक्ष बैठ करके ओम लक्ष्मी नारायणाय नमः मंत्र का आप जाप करें। इस मंत्र का दिन में 3 बार आपको 3 माला स्फटिक की माला पर आपको 3 माला जाप करना है। 3 महीने तक हर गुरुवार को मंदिर में प्रसाद चढ़ा करके विवाह की सफलता के लिए प्रार्थना करना सफलतादायी सिद्ध होगा। चौथा प्रयोग ये है जो आपके प्रेम विवाह को संपूर्ण बना सकता है, शक्तिशाली प्रयोग है। यदि प्रेम विवाह में कोई बाधा आ रही है तो 5 नारियल लेकर के इसे भगवान शंकर की मूर्ति के आगे आप रख दें, या यूं कहा जाए कि शिव परिवार में जो 5 अलग अलग मूर्तियां हैं आप उनके समक्ष इनको अर्पित करिए और ओम श्री वर प्रदाय श्री नमः मंत्र पुनः एक बार सुन लीजिए। ओम श्री वर प्रदाय श्री नमः मंत्र का 1008 बार आपको जाप करना है। यह जाप स्फटिक की माला पर या रुद्राक्ष की माला पर 5 माला पर आप करते रहें 1008 बार तो आपको फायदा मिलेगा। इसके बाद वे 5 नारियल आप हनुमान भगवान महादेव के चरणों में ही समर्पित करके मंदिर में चढ़ा करके आप चले आएं तो आपके विवाह में जो बाधाएं आ रही हैं वो दूर हो जाएंगी। प्रेम विवाह की बाधाओं को दूर करने के लिए एक और शक्तिशाली प्रयोग है। आपको करना यह है कि विवाह योग्य कन्या यदि प्रत्येक सोमवार को सुबह स्नान ध्यान से निवृत्त होकर के भगवान शिव की पूजा आराधना करे, शिवलिंग पर ओम सोमेश्वराय नमः मंत्र का जाप करते हुए दूध मिले हुए जल को अर्पित करे, उससे अभिषेक करे और वहीं मंदिर में बैठ करके रुद्राक्ष की माला से जो मंत्र मैं आपको बताता हूं इस मंत्र का आप जाप करें तो आपको बहुत अच्छा लाभ मिलता है। ओम सोम सोमेश्वराय नमः आपको जाप करना है, इससे जो भी बाधाएं आती हैं वो दूर होने लगेंगी। तो फिलहाल आपके सितारे में इतना ही, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। धन्यवाद। तो आप देखते रहिए समाचार प्लस। जटिल समस्या हो या भाग्य बाधा हो, व्यापार नौकरी शादी की समस्या, करियर की चिंता हो या वैवाहिक जीवन में हो सुख का अभाव, पाइए अपनी समस्त ज्योतिषीय तथा वास्तु समस्याओं का सरल चमत्कारी प्रभावशाली समाधान। एक जाना माना और विश्वसनीय नाम आचार्य पंडित श्री वैभवनाथ शर्मा जी, काशी के 400 वर्ष पुराने प्रतिष्ठित और अंतरराष्ट्रीय ख्याति प्राप्त राज ज्योतिषी परिवार की 8वीं पीढ़ी के ज्योतिषी और वास्तु शास्त्री आचार्य पंडित श्री वैभवनाथ शर्मा जी के द्वारा व्यक्तिगत या फिर फोन पर अपॉइंटमेंट लेने के लिए कॉल करें 9818300146 9990724131 या फिर ईमेल करें शर्मा.वैभव@gmail.com पर।